हेलो दोस्तों, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूं पांच सबसे अच्छा स्मार्ट टीवी 15,000 रुपए के अंदर। अगर आप एक नया टीवी लेने का सोच रहे और आपका बजट 15,000 रुपए है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कौन सा स्मार्ट टीवी आपके लिए बेस्ट होने वाला है 15,000 रुपए के अंदर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहले जो स्मार्ट टीवी है वो अमेज़न की तरफ से है। उसका नाम है अमेज़न बेसिक स्मार्ट फायर टीवी। आपको इसे मिलता है 32 इंच का HD डिस्प्ले जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। उसके साथ आपको इसे मिलता है डॉल्बी ऑडियो और DTS ट्रू सराउंड, और आपको इसे मिलता है अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले और एमोलॉजिक का 7th जनरेशन का इमेजिंग इंजन। और ये टीवी ऐप सपोर्ट करता है जैसे कि प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, यूट्यूब। अब पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट। अब कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है क्वाड कोर प्रोसेसर, और ये आता है डुअल बैंड वाईफाई के साथ, और उसके साथ पैरेंटल कंट्रोल, डाटा मॉनिटरिंग। अब OS के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है फायर टीवी OS, और उसके साथ बिल्ट इन एलेक्सा, और एलेक्सा का वॉइस कंट्रोल भी है इसमें, और डिस्प्ले मिररिंग। और ये टीवी आता है 1GB के रैम के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो अमेज़न बेसिक का ये टीवी आपको मिल जाएगा 13,500 रुपये के अंदर, और ये आता है 2 साल के वारंटी के साथ। अगर आपको स्मार्ट टीवी चाहिए और हमारे लिस्ट में दिखाए गए किसी भी और स्मार्ट टीवी के बारे में चेक करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो उन सबका बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से खरीदते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी स्मार्ट टीवी चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। अब इसके बाद जो स्मार्ट टीवी हमारे लिस्ट में है वो ओनिडा की तरफ से है। उसका नाम है ओनिडा स्मार्ट फायर टीवी। आपको इसे मिलता है 32 इंच का HD डिस्प्ले जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इस टीवी में मिलता है फायर टीवी OS, और ये आता है एलेक्सा का वॉइस कंट्रोल के साथ, उसके साथ डिस्प्ले मिररिंग, उसके साथ वॉइस रिमोट विद एलेक्सा और लाइव टीवी। और ये ऐप सपोर्ट करता है जैसे कि यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, G5, और उसके साथ आपको इसे मिलता है बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ। अब पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 3 HDMI पोर्ट और 1 USB पोर्ट। और ये टीवी आता है 20 वाट के स्पीकर के साथ जो कि डॉल्बी डिजिटल प्लस और DTS ट्रू सराउंड को सपोर्ट करता है। और आपको इस स्मार्ट टीवी में मिलता है मल्टी कोर प्रोसेसर और 1GB का रैम और 8GB का स्टोरेज। अब प्राइस के बारे में बात करें तो ओनिडा का ये स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये के अंदर, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो स्मार्ट टीवी हमारे लिस्ट में वो कोडक की तरफ से है। उसका नाम है कोडक 7X प्रो। आपको इसे मिलता है 32 इंच का HD LED डिस्प्ले, और ये आता है 24 वाट के स्पीकर के साथ, उसके साथ 1GB का रैम और 8GB का स्टोरेज। और ये टीवी आता है बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ के साथ। और ये टीवी सपोर्ट करता है ऐप्स जैसे कि प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लीव, G5। अब पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट। उसके साथ आपको इस टीवी में मिलता है कॉर्टेक्स का A53 का क्वाड कोर प्रोसेसर, और एक एंड्रॉइड टीवी है। आपको इसे मिलता है एंड्रॉइड 9 टीवी, उसके साथ गूगल असिस्टेंट तो है ही और क्रोमकास्ट। और ये टीवी आता है स्मार्ट रिमोट के साथ जिसके ऊपर आपको अलग से बटन मिलता है गूगल असिस्टेंट, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और सोनी लिव के लिए। अब प्राइस के बारे में बात करें तो कोडक का स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 12,500 रुपये के अंदर, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो स्मार्ट टीवी हमारी लिस्ट में है वो वन प्लस की तरफ से है। उसका नाम है वन प्लस 32Y1। आपको इसे मिलता है बेजरलेस डिजाइन, और ये आता है 32 इंच का HD डिस्प्ले के साथ, और ये एक एंड्रॉइड टीवी है। आपको इसे मिलता है एंड्रॉइड 9 टीवी, उसके साथ गूगल असिस्टेंट। और ये टीवी आता है ऑक्सीजन प्ले 2.0 के साथ, और उसके साथ आपको इसमें वन प्लस का डिवाइस सिंक का ऑप्शन तो मिलता ही है जिससे कि आप अपने स्मार्ट वॉच से इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बर्ड्स को भी बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको इस टीवी में मिलता है बिल्ट इन वाईफाई और क्रोमकास्ट। अब साउंड के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 20 वाट का बॉक्स स्पीकर जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है, और उसके साथ आपको इसे मिलता है गामा इंजन। अब पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलता है 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट। और ये टीवी ऐप सपोर्ट करता है जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो। और ये टीवी आता है 1GB के रैम के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो वन प्लस का स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये के अंदर, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद हमारी लिस्ट का नंबर 1 स्मार्ट टीवी बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 99% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप आगे भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्रिप्शन एकदम ही फ्री है। अब सबसे आखिर में नंबर 1 पर जो स्मार्ट टीवी हमारे लिस्ट में है वो रेडमी की तरफ से है। उसका नाम है रेडमी स्मार्ट LED टीवी। आपको इसे मिलता है 32 इंच का A+ ग्रेड का LED पैनल जो कि HD है,
उसके साथ विविड पिक्चर इंजन। अब साउंड के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 20 वाट का पावरफुल स्टेडियो स्पीकर जो कि डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल एक्स को सपोर्ट करता है। और आपको इस टीवी में मिलता है पैचुअल 4 जो कि IMDB के साथ आता है और एक एंड्रॉइड टीवी है। आपको इसे मिलता है एंड्रॉइड टीवी 11 उसके साथ गूगल असिस्टेंट और बिल्ट इन क्रोमकास्ट। और आपको इसमें डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0 भी मिलता है। और उसके साथ आपको इसमें गेमिंग के लिए मिलता है ऑटो लो लेटेंसी मोड। और ये टीवी आता है 1GB के रैम और 8GB के स्टोरेज के साथ। अब पोर्ट्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है 2 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट। अब कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलता है किड्स मोड और पेरेंटल लॉक, उसके साथ 75 से भी ज़्यादा फ्री लाइव चैनल और यूनिवर्सल सर्च। अब प्राइस के बारे में बात करें तो रेडमी का स्मार्ट टीवी आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये के अंदर और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब सबसे आखिर में बात करें कौन सा स्मार्ट टीवी आपको लेना चाहिए। अगर आपको अभी के टाइम में 15,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्मार्ट टीवी चाहिए तो आपको लेना चाहिए रेडमी का स्मार्ट टीवी, क्योंकि आपको इसमें 1GB के रैम के साथ 8GB का स्टोरेज मिलता है, उसके साथ डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ 5.0। और इस टीवी का डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा है और 20 वाट का अच्छा स्टेडियो स्पीकर भी है। और ये टीवी आता है एंड्रॉइड 11 के साथ तो आपको ढेर सारा स्मार्ट फीचर्स के साथ अच्छा पिक्चर और साउंड क्वालिटी भी मिलता है। तो अगर आपको 15,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्मार्ट टीवी चाहिए तो आपको लेना चाहिए रेडमी का स्मार्ट टीवी। लेकिन अगर आप रेडमी का स्मार्ट टीवी नहीं लेना चाहते तो आपके पास और एक ऑप्शन है जो कि है वन प्लस का स्मार्ट टीवी। आपको इसमें भी मिलता है 32 इंच का HD डिस्प्ले और ये भी एक एंड्रॉइड टीवी है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा पुराना एंड्रॉइड मिलता है जो कि एंड्रॉइड 9। उसके साथ आपको इसे मिलता है ऑक्सीजन प्ले, बिल्ट इन क्रोमकास्ट और वाईफाई और 20 वाट का स्पीकर जो कि काफ़ी अच्छा है और 1GB का रैम। तो वन प्लस का स्मार्ट टीवी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है 15,000 रुपये के अंदर। तो यही था हमारे इसका 5 सबसे अच्छा स्मार्ट टीवी 15,000 रुपये के अंदर। आपको इन सारे स्मार्ट टीवीज का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर किसी भी टीवी को चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है, आप 10,000 रुपये के अंदर बेस्ट स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ पर जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए कौन सा स्मार्ट टीवी आपको लगता है बेस्ट है 15,000 रुपये के अंदर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।